हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, MySQL के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज मैं आपको कुछ और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला हूं। सो आई होप गाइस आपने इसे प्रीवियस ट्यूटोरियल को यहां पर ज़रूर देखा होगा, जिसके अंदर हमने यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करा था। और गाइस, उन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास कुछ एक और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिनका नाम है यहाँ पर बिटवीन, नॉट और इन। तो गाइज, एक एक करके इन सभी ऑपरेटर्स को यहाँ पर एक एग्जांपल से सीखेंगे। सो गाइज, मैं इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे वर्क करते हैं, तभी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएंगे। सो गाइज, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको एंड ऑपरेटर कराया था, तो हम पहले उसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे सिलेक्ट एक सैलरी चाहिए मुझे इन सब की, और सैलरी के अलावा मैं क्या करता हूँ, सारा ही डेटा ले लेता हूँ इनको। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पर सैलरी क्या हो, यहाँ पर हम एक कंडीशन ले लेते हैं जिनकी सैलरी क्या हो 1250 से ऊपर हो और यहाँ पर 3000 से नीचे हो। तो एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर सैलरी, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1250, एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, और सैलरी क्या हो 3000 से यहाँ पर कम हो। तो गाइज, ऐसे ही कुछ मैंने आपको कंडीशन बताई थी पिछली वीडियो में। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1250 से ऊपर सारी यहाँ पर सैलरी है, और यहाँ पर 3000 से कम यहाँ पर मेरे पास सैलरी है। सो गाइज, इसके लिए आपको यहाँ पर कितना लंबा कोड लिखना पड़ा है, यहाँ पर आपका एंड ऑपरेटर का यूज़ करा, फिर आपने कॉलम लिखा, फिर उसके बाद एक ग्रेटर देन का साइन लगा के दोनों अमाउंटों को आपने यहाँ पर ऐड करा। तो गाइज, इसी को शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिटवीन। तो गाइज, बेसिकली कर क्या रहा है ये, बिटवीन ही तो निकाल रहा है कि भाई 1250 के अंदर अंदर और 3000 के अंदर अंदर, मतलब उनके बिटवीन, या तो 1250 या 3000 के बिटवीन जो इनके अंदर आ रही है, वो वैल्यूज मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है, फाइंड करके दे रहा है। सो गाइज, इसी को हम कहते हैं यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर। तो गाइज, हमें यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, इस ग्रेटर देन की जगह हमें यहाँ पर क्या लिखना है, वेयर सैलरी बिटवीन, हमें यहाँ पर लिखना है बिटवीन, वेयर सैलरी बिटवीन 1250, और यहाँ से अब सैलरी को रिमूव करना है और लेस देन का साइन भी, सिर्फ हमें यहाँ पर लिखना है वेयर सैलरी बिटवीन 1250 एंड 3000। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोड काफ़ी मेरा शॉर्ट हो गया है, इस कोड के मुकाबले ये कोड मेरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है। सो गाइज, इसी को हम कहते हैं यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, 1250 से लेकर 3000 के बिटवीन अंदर अंदर ये सारी मुझे यहाँ पर वैल्यूज को शो करा देगा। तो गाइज, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने क्या कर दिया, यहाँ पर मुझे सारी वैल्यूज को यहाँ पर मुझे फाइंड करके दे दिया। अब गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यूज में और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यूज में कुछ एक डिफरेंस है। तो गाइज, ये डिफरेंस क्या है, इन दो चीज़ों का है, एक तो 1250 भी इसके अंदर है और यहाँ पर 3000 भी इसके अंदर है, और इसके अलावा हटा दूँ तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, सिर्फ इसके अंदर आप 1250 को हटा दो और 3000 को हटा दो। तो गाइज, ये बिटवीन मेरा यहाँ पर करता क्या है, ये इन दोनों को वैल्यू को भी यहाँ पर इंसर्ट करा देता है, मतलब ये 1250 को तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, साथ के साथ ही 3000 को भी इंक्लूड कराएगा, मतलब इनके बिटवीन की वैल्यूज तो फाइंड करके दे रहा है, बट जो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो भी मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है, फाइंड करके दे रहा है। बट ऊपर तो ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई थी, या तो वो बड़ी हो 1250 से और 3000 से कम हो। तो गाइज, अगर हमें ये ऊपर करना होता तो वो हम यहाँ पर कैसे करते। तो गाइज, सिंपली इसके साथ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर, इससे प्रीवियस से प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं कि भाई, या तो सैलरी 1250 हो, इक्वल हो, या उससे ग्रेटर देन हो। तो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस देखा, दोनों का डेटा यहाँ पर सेम आ रहा है, इसके अंदर भी यहाँ पर 1250 है और 3000। तो गाइस, अब आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि बिटवीन मेरा किस तरीके से काम करता है। तो ये उस चीज़ को भी लेता है, उस अमाउंट को भी लेता है, उस वैल्यू को भी लेता है, जिसके थ्रू हमें बिटवीन के अंदर जिन जिन दो वैल्यूज का बिटवीन हमें यहाँ पर वैल्यूज को सर्च कराना है, तो ये उन दोनों वैल्यूज को भी यहाँ पर ले लेता है। तो गाइस, तभी ये यहाँ पर वर्क करता है एज अ बिटवीन की तरह। अब गाइज, इसके अंदर हमारे पास आता है एक नॉट ऑपरेटर। तो गाइज, नॉट क्या करता है, तो गाइज सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, कॉलम के बाहर आपको लिख देना है यहाँ पर नॉट बिटवीन। तो गाइज, ये नॉट क्या करता है, तो ये नॉट वो वाली वैल्यूज को फाइंड करेगा जो इनके बीच में नहीं आ रही है, या तो ये दोनों को तो लेगा ही लेगा, साथ में जो इनके बीच में वैल्यूज, इन सभी वैल्यू को यहाँ पर अभी नहीं दिखाएगा, इनको छोड़कर
ये सारी वैल्यूज दिखा देगा जो ऊपर हमारे कंप्लीट टेबल के अंदर है। मतलब यहां पर अब उन वैल्यू को नहीं लेगा जो 1250 के अंदर आ रही है और 3000 के अंदर अंदर आ रही है। अभी मैंने यहां पर लगा दिया नॉट कि भाई मुझे वो वैल्यूज नहीं चाहिए, नॉट ऑपरेटर। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूं तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर की वैल्यू से बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। इसके अंदर वो वैल्यूज आ रही है 1250 से कम कम की आ गई है 500 रुपए और यहां पर 3000 से ऊपर ऊपर की वैल्यू 3570, 3420, 5000 और 7000। सो गाइज देखा आपने कितना यहां पर ये यूजफुल था, नॉट ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर। तो गाइज अब हमारे पास एक और चीज है यहां पर, इन ऑपरेटर। तो गाइज इन ऑपरेटर क्या करता है, उससे पहले मैं आपको एक कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके दिखाता हूं। तो यहां पर मुझे यहां पर क्या चाहिए, बेसिकली मैं यहां पर कॉलम को चेंज कर लेता हूं और कॉलम को चेंज करने से पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, उस टेबल को फिर से यहां पर प्रिंट करा लेता हूं। तो गाइज कंप्लीट टेबल फिर से आ चुकी है। अब गाइज इसके अंदर मैं कुछ यहां पर वैल्यूज ले लूंगा जो हमें यहां पर चाहिए। तो गाइज सिंपली मैं यहां पर लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जहां पर वेयर कंडीशन, जहां पर जॉब क्या हो मेरे पास, एक तो हो सेल्समैन की, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं सेल्समैन की जॉब हो। देन उसके बाद हमें यहां पर लिखना है और ऑपरेटर, क्योंकि हमें और भी वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा और जॉब इक्वल्स टू हमारे पास हो मैनेजर की जॉब। देन और फिर से हमें एक और वैल्यू चाहिए कि यहां पर जो जॉब हो वो क्या हो हमारे पास, इसको छोटा कर लेते हैं, एनालिस्ट की जॉब यहां पर ले लेते हैं हम, एनालिस्ट, या एनालिस्ट की, एनालिस्ट काफी ज्यादा हो जाएंगे तो मैं यहां पर ले लेता हूं एक प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट। तो गाइस मेरे पास वो यहां पर जॉब के डेटा निकल के आ जाए जिनकी जॉब हो यहां पर सेल्समैन, या हो मैनेजर, या हो यहां पर प्रेसिडेंट की जॉब। एंटर हिट करता हूं तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास यहां पर 3, 6, 7, 8 यहां पर डेटा मेरे पास यहां पर शो हो रहा है जिनकी यहां पर जॉब है सेल्समैन, मैनेजर, सेल्समैन, सेल्समैन, मैनेजर, मैनेजर और प्रेसिडेंट। तो गाइज जो मैंने यहां पर तीनों लिखी वो यहां पर मेरे पास आ चुकी है। अब गाइज इसको करने के लिए आपको यहां पर कितने लंबा कोड लिखना पड़ा कि आपको 3-3 बार तो कॉलम लिखना पड़ेगा, फिर उनके अंदर कंडीशन डाले कि भाई मुझे सेल्समैन चाहिए, फिर एक और ऑपरेटर यूज करा, फिर से कॉलम, देन फिर कंडीशन, फिर और ऑपरेटर, फिर कॉलम, देन फिर कंडीशन। तो गाइस इस चीज को छोटा करने के लिए हम यहां पर करते हैं इन ऑपरेटर का। तो गाइस आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है कि वेयर और इन में क्या डिफरेंस है, तो गाइस इनका डिफरेंस यही है, बस ये कोड को शॉर्ट कर देता है कि हमें यहां पर बार बार कॉलम को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, यहां पर डायरेक्ट वैल्यूज डाल देते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको यहां पर वेयर तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो गाइज आपको ये वेयर कंपलसरी है कि मुझे कंपलसरी है कि ये लगाना ही लगाना है, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा वेयर जॉब। अब आपको यहां पर लगाना इन ऑपरेटर, वेयर जॉब इन, इन के अंदर आपको वो वैल्यू डालनी है जो आपको यहां पर चाहिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं सेल्स मैन, देन कॉमा, देन दूसरी वैल्यू मैनेजर, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, फिर यहां पर प्रेसिडेंट। गाइज आपको जरूरी नहीं कि आपको सिंगल कोड लिखना है, बट मैं एक रूल फॉलो कर रहा हूं, आप यहां पर डबल कोड्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूं तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं सेम मेरा ऊपर की तरह डेटा आ रहा है। तो गाइज देखा आपने इतने लंबे कोड को यहां पर इसने कितना शॉर्ट कर दिया है यहां पर। तो गाइज सिर्फ आपको यहां पर एक इन ऑपरेटर करना पड़ा और आपको एक काफी सारा काम यहां पर एक्स्ट्रा काम करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ी। तो गाइज देखा आपने कितना यूजफुल था, हम इनको बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। अब इसके साथ अगर आपको नॉट ऑपरेटर चाहिए तो आप यहां पर सिंपली इन से पहले लगा दो नॉट इन कि भाई मुझे वो चीजें नहीं चाहिए जिनके अंदर सेल्स मैनेजर हो, प्रेसिडेंट हो। जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो गाइज आप वो चीजें आ गई जिनके अंदर यहां पर ये जॉब नहीं है। तो गाइज आप यहां पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गई और यहां पर एनालिस्ट आ गई। तो गाइज देखा आपने कितना आसान था यहां पर नॉट इन, इन और बिटवीन और नॉट बिटवीन। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। सो गाइज अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट रह गया है तो गाइज आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।